बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको ये मेरे इतगिर जो बैग दिखाई दे रहे हैं जी, मैं कंप्लीट वीडियो मैंने बोला चलो आपके साथ इन्फॉर्मेशन लिए शेयर कर दूं। अभी सऊदी यानी कि गाका की तरफ से जो एक वीडियो शेयर की गई है या मुकम्मल न्यूज़ शेयर की गई है जी, आपको सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स के ऊपर किस टाइप के बैग पैक करके लाने होंगे वो आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये बैग है जी मेरे पास, बड़े टाइप का, छोटा ये है। मैं एक वीडियो कल शेयर कर चुका हूँ, उसमें आपको ये दिखा चुका हूँ। अभी एक बड़ा साथ रख के आपको, कुछ भाई अभी भी डाउट कर रहे थे भाई इससे बैग कितना बड़ा होना चाहिए, छोटाई में कितना होना चाहिए या किस टाइप का होना चाहिए। छोटा एक बैग है जी मेरे पास। एक चीज़ मैंने और रखी हुई है वो ये है जी, ठीक है। ये क्यों रखा हुआ है अभी आपको बता देता हूँ। मैं बैक कैमरा चलाता हूँ, इन तीनों चारों का जो साइज वगैरह है वो आपको दिखा देता हूँ और इनमें आप किस टाइप के किस हिसाब से ला सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको शुरू में बताता चलूँ, वो ये है जी कि कॉटन मत लाइएगा। कल एक भाई मुझे पूछ रहा था कि फ्रिज का या जनरेटर का कॉटन है जी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल पीस कॉटन, चाहे साफ है चाहे जैसा भी है। पहले होता था बनी मालक से 10 रियाल का कॉटन मिलता था कार्गो वालों के पास से, आपको पता है जी, आदमी उस पर टेप लगा कर देते थे वो नीचे और साइडों पर, ऊपर सामान बांध कर उसके ऊपर कॉटन बंद करते थे ऊपर रस्सी से बांध कर। अभी वो नहीं चलेगा, कार्गो वाली बोरी में सामान आप ला रखे हैं वो नहीं चलेगी, चाहे आपने उसमें 10 कंबल ही क्यों नहीं, 5 कंबल ही, 4 कंबल ही क्यों नहीं डाले हुए, हालांकि वो है भी वजन में हल्का है और बिल्कुल ठीक है, उठाने में भी ठीक है, नहीं चलेगी। ये क्लियर कर दो आपको, बैग किस सूरत में आपने बनाया हुआ है वो भी नहीं चलेगा और किस साइज के चलेंगे ये अभी मैं आपको बैग कैमरा चलाकर मुकम्मल तफसील समझा देता हूँ जी। तो अभी मैंने बैग रख ली है, देख लीजिए पूरा सेटअप आप, ठीक है। मैं भी आपको समझा देता हूँ, थोड़ी बात समझ लीजिएगा। सबसे पहले इसी के मुतल आपको क्लियर कर दूँ, ये एक आपको पता है एसी कंबल है, मैं उस सऊदीया से लाया हूँ। अच्छा, एसी कंबल है, इस टाइप का आप बैग ले लेते हैं या इस टाइप का आप कंबल उठा लेते हैं ऐसे साथ में हाथ में, ठीक है। मैं ये ऐसे कंबल ले जाता हूँ, ये बैग का बैग है बिल्कुल, इसकी पैकिंग भी अच्छी है यार, और इसमें कंबल ही है और क्या, या इसमें कुछ भी और सामान डाल लेते हैं आप, ये भाई नहीं चलेगा। आप चाहे कंबल इसमें डाल लें, चाहे न्यू आपने कंबल लिया है, चाहे आपने ऐसे बैग में कुछ भी और डाला हुआ है, ये एयरपोर्ट के ऊपर नहीं चलेगा, वो नहीं आने देंगे आपको, आपका सामान एयरपोर्ट के ऊपर ज़ाया होगा, वरना आपको वो बोलेंगे बैग बदल कर लाओ। आप अपनी फ्लाइट तो छोड़ने से रहे, ब्लैक और बैग आप किधर से लेंगे, तो आपको सामान ये ऑटोमेटिकली किसी अजीज़ को देना पड़ेगा कि भाई वापस ले जा। तो ऐसा कोई भी बैग वगैरह, शॉपर वगैरह, कार्गो वाली बोरी, गत्ता वगैरह ये मत लाइएगा जिसमें आपने सामान डाला हो। अभी मैं आपको हैंड कैरी के मुतलक बता दूं, फिर आपको इन दोनों के मुतलक भी बता देता हूं मैं। वैसे देख लें, पाकिस्तानी मैंगो एंड पाकिस्तानी नाशपाती, बेहतरीन माशाल्लाह, जायका भी खूब और मीठे भी खूब। तो हैंड कैरी आप इससे छोटा भी ले सकते हैं, इससे बड़ा भी ले सकते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है उसमें। उसमें आपने 7 किलो अगर हैंड कैरी है तो कोशिश कीजिएगा 6.5 किलो रखिएगा, ये मैं आपको कल क्लियर कर दूं। अगर आपका हैंड कैरी 7 किलो है, 8 किलो है, तो आपने उससे आधा किलो भी ज़ायद किया तो अभी भाई एयरलाइंस वाले वो नहीं आने दे रखे हैं। लेकिन इससे बड़ा हैंड कैरी भी मत लेना आपने, यानी कि इस टाइप के हैंड कैरी मत लीजिएगा या इससे बड़ा भी मत लीजिएगा। जो कैबन के यानी कि जहाज़ का जो कैबन होता है जिसके अंदर वो बैग रखते हैं, वो कैबन में अगर आपका बैग नहीं आएगा, वो देख लेते हैं बाहरी, तो वो बैग भी आपका आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हैंड कैरी इस टाइप का हो, इसमें चाहे मेरे हिसाब से 15 किलो वजन डालने, यार 7-8 किलो का हैंड कैरी होता है, 7-8 किलो आपने डालना होता है, छोटा लीजिएगा, बड़ा मत लीजिएगा और वजन पूरा रखिएगा। अभी दो बैग हैं जी, आप देख लें, एक ये ठीक है छोटा, एक ये बड़ा, आपको दोनों फैबर के हैं, बड़ा दिखाई दे रहा है। आप फैबर में ले लें, आप जो आम कपड़े वाले बैग होते हैं वो ले लें, मैं आपको शायद मेरे पास अभी पड़ा नहीं है इधर बाहर कोई, वरना आपको दिखा देता मैं। तो आप आम कपड़े वाला ले लें, जो आम बैग होते हैं ये फैबर में ले लें इस टाइप के, वो कोई मुश्किल नहीं है, बैग होना चाहिए। अभी इस टाइप का बैग है आपके पास, ठीक है, इसमें 20 से 25 किलो वजन आराम से आता है। आपने पैकिंग वगैरह के मतलब, ये कुछ सामान मेरा पड़ा हुआ है, मैं सऊदीया से लाया हूँ, अभी अंदर वही है जी इसके पड़ा हुआ है, मैं बाकी तो इस्तेमाल कर रहा हूँ खुद से, तो गवाह भी लेकर आया था। और बाकी आपको दिखाना सर ये चाह रहा था बैग, पैकिंग वगैरह आप सामान डालें इसमें, आपने 20 किलो डालना, 20 किलो डालें, इसके ऊपर रस्सी नहीं बांधनी है, इसके ऊपर आपने कोई कपड़ा नहीं लपेटना है, कपड़ा लपेट कर उसके ऊपर रस्सी बांध दें या धागा बांध दें, ऐसा नहीं करना। इसकी जिप बंद करें, इसको खुद से लैमिनेशन करें, खलास बस, ठीक है। अभी मैंने इनकी जिप ओपन की हुई आपको समझाने के लिए। अभी ये छोटा बैग है, ये फुल साइज़ बैग है जी, इससे बड़े भी होते हैं मुझे पता है, लेकिन आपने वो नहीं लेना है, इस साइज़ से बड़ा आपने बैग नहीं लेना है, ठीक है। ये 28-29 का साइज़ है, ये 24 का साइज़ है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, 21 से 24 एंड ये 28 से 30-32 तक का साइज़ है, इससे बड़ा आपने साइज़ नहीं लेना, यानी कि आपने 36-35, 36-40 वाला बैग ऐसा कोई बड़े साइज़ का नहीं लेना। इस टाइप का बड़े साइज़ का बैग भी चल जाएगा, मुश्किल नहीं है। आप चाहे कपड़े में ले लें, चाहे फैबर में ले लें, आपने मैं फिर आपको वाजे कर दूँ, कार्गो वाली बोरी, गत्ता
और हैंड कैरी में बड़ा बैग यूज़ नहीं करना है। अभी इस बैग में भी आपने अपना शॉपिंग वाला सामान सुन, ये मैं उधर से लाया हूँ सब्जी, इसमें पड़ा हुआ है अभी भी, तो इसमें भी आपने अपना सामान भरना है। ऊपर आपने इसकी जिप बंद करनी है, लैमिनेशन करनी है, चाहे निशानी के तौर पर, मैंने नाम भी नहीं लिखा था, ये आपको ये भी वादा कर दूँ, मैंने निशानी लगाई थी, इधर लगी होगी, ये देख लें, ये येलो कलर की टेप लगी हुई है ना, येलो कलर की टेप मैंने इसके ऊपर भी लगाई हुई है, ये देख लें जी, ये येलो कलर की मैंने टेप लगा दी थी, इससे पहचान हो जाती है। इतना बड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लैमिनेशन करें, बैग पैक करें, लैमिनेशन करें, खलास। इसके ऊपर कपड़े लपेटने की, रस्सियाँ लपेटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वरना आपका एयरपोर्ट से बैग वापस होगा। और ये कंप्लीटली वीडियो है जी, मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद कोई भी किसी किस्म का आपके माइंड में कोई मशवरा वगैरह रह जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब आप ला सकते हैं, जैसा कि मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब देख रही, कैटल है, लाइट है, LED और बहुत सी चीज़ें ला चुका हूँ, लेकिन LCD वगैरह के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो मतलब ये कि मोबाइल वगैरह भी आप ला सकते हैं, नो टेंशन है, कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं, यानी कि आपका 50 किलो वजन है तो ऐसा मत कीजिएगा 20 किलो खजूर डाल लें, वो मत कीजिएगा, ठीक है। सामान खरीदिए, 50 किलो वजन है 10 किलो खजूर रख लें, नो टेंशन है। तो बैगों के मतलब आपको क्लियर कर दिया, सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स के ऊपर भाई ये कानून अभी लागू हो चुका है, एहतियात कीजिएगा।